तो बटिक के लिए जो हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो है एक प्लास्टिक शीट, ओके, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी चाहिए, वीट फ्लोर, आटा जिसे हम बोलते हैं, कुछ फ्लैट पेंट ब्रश, एक स्पून, एक प्लास्टिक का कोन जो हम नॉर्मली मेहंदी के लिए यूज़ करते हैं, वाइट स्टार्च फ्री कॉटन क्लोथ, ओके, एंड फैब्रिक कलर्स. इफ यू डोंट हैव फैब्रिक कलर्स तो आप लोग एक्रेलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. जो आपका वर्किंग एरिया है वहां पे आप एक प्लास्टिक की शीट लगा दीजिए ताकि जो नीचे का जो सरफेस है वो आपका वो खराब नहीं होगा. ओके, अब आपको एक बाउल में व्हीट फ्लोर लेना है, आटा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ओके, एंड मिक्स इट वेल. थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा जितना रिक्वायरमेंट है और हमको इसका एक पेस्ट बनाना है. मेक श्योर कि इसके अंदर लम्स ना रहे. ये देखिए हमारा पेस्ट जो है बहुत अच्छा बन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और एकदम थिक भी नहीं है. ओके, और इसको इस पेस्ट को अब हमको इस प्लास्टिक कोन के अंदर फिल करना है. ये हमने कोन के अंदर हमारा जो फ्लोर का पेस्ट था वो हमने इसमें फिल कर दिया है. अब हम विद द हेल्प ऑफ अ सीजर इसका एक जो ओपनिंग है नोजल वो थोड़ा थिक कट करेंगे. एज यू कैन सी मैं थोड़ा थिक कट कर रही हूँ उसको. ओके, ये हमने थिक कट कर दिया है. अब आप चाहें तो फ्री हैंड इसमें डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं या आप चाहें तो कुछ एक पहले से भी आप कुछ हल्का सा ड्रॉ करके रख सकते हैं. तो मैं फ्री हैंड डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ये देखिए मैं स्पाइरल बना रही हूँ. आप कुछ भी बना सकते हैं. This is one of the easiest way to try your hands on batik and can easily be done by kids also. किड्स का जो समर क्लासेस होता है उसके अंदर भी दिस कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शन.
दिस इज डन, और अब हम इसको कंप्लीटली ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देंगे हम। ये हमारा जो पेस्ट था वीट फ्लोर का, वो कंप्लीट ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। मैं फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास फैब्रिक कलर नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने सिंगल शेड यूज करूंगी, अगर आप चाहें तो आप डबल शेड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पूरा कलर कर लिया है, और अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। बेटर है कि आप इसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब ये ड्राई हो गया है तो जो हमारा पेस्ट था वीट फ्लोर का, उसको हम यहाँ से पील करेंगे। बहुत इजीली ये पील हो जाएगा, आप इसको पील कर दीजिए, और जहाँ जहाँ भी हमारा वीट फ्लोर का पेस्ट लगा हुआ था वहाँ पे ये वाइट हो गया है पूरा, और बाकी की जगह पर हमारा कलर हो गया है। ये देखिए बहुत इजीली ये पील होता जा रहा है। ये देखिए ये ऐसे ही करके हमको पूरा पील करना है। ऐसे ही मैंने एक टेबल मेट भी बनाया है, टेबल मेट के ऊपर भी मैंने वीट फ्लोर लगाया था, ये भी पील हो जाएगा। ये देखिए बहुत इजीली ये पील हो रहा है। यहाँ पे मैंने कैनवास यूज किया है, कैनवास के ऊपर मैंने तीन शेड यूज किए हैं। देखिए बहुत इजीली ये पील हो रहा है। ये देखिए पील होने के बाद में ये हमारा जो फैब्रिक था उस पर ये हमारा बटिक का इफेक्ट आ गया है, और ये जो मेरा टेबल मेट था वो ऐसा हो गया। यहाँ साइड में मैंने थोड़ा पार्ट छोड़ दिया था, यहाँ पे स्टेंसिल से मैंने थोड़ा कलर किया है, और ये जो मेरा था ये बटिक से मैंने इसको पूरा टेबल मेट कम्प्लीट किया है। ओके, आई होप आप लोगों को ये टेक्निक पसंद आया होगा, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। Thank you for watching my channel. Please don't forget to subscribe and share. Thank you so much.